गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धुड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीएड सेकेंड ईयर इतिहास शिक्षण, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पाठ योजना अर्थात दैनिक पाठ योजना। इससे पिछले वीडियो में हमने इकाई योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इकाई योजना का अर्थ परिभाषा, विशेषताएं, आवश्यकता, गुण और दोष आदि बातों की जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी। आज हम दैनिक पाठ योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि इकाई योजना में दिए गए प्रकरणों में से जो प्रकरण जिस दिन कक्षा में पढ़ाया जाता है और प्रकरण के संबंध में जो योजना तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत प्रकरणों से संबंधित सभी शैक्षिक बिंदुओं को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में लिखना ही दैनिक पाठ योजना कहलाती है। तो दैनिक पाठ योजना से जो आशय है, अध्यापक कक्षा में पढ़ाने से पूर्व जिस प्रकरण अर्थात टॉपिक पर चिंतन करता है वही दैनिक पाठ योजना कहलाती है। तो किसी पाठ हेतु शिक्षण उद्देश्यों विषय वस्तु, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री एवं मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करना ही पाठ योजना कहलाती है। आइए अब हम देखते हैं दैनिक पाठ योजना की परिभाषाएं। एल एन वासिक के अनुसार शिक्षण क्रियाओं एवं उद्देश्यों के आलेख को ही पाठ योजना कहते हैं। इसी प्रकार बाइंडिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण के उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना अर्थात कौन सा प्रकरण पढ़ाया जाना है उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना ही दैनिक पाठ योजना कहलाता है। जैसा कि मान लो एक शिक्षक के द्वारा कक्षा में बाबर प्रकरण लिया गया है तो बाबर टॉपिक पर पहले जो शिक्षक है अच्छी तरह से उसे टॉपिक को देखेगा, समझेगा, उसके पश्चात कक्षा में व्यवस्थित क्रम देते हुए बाबर के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी छात्रों को प्रदान की जाएगी। जैसे कि प्रस्तावना प्रश्न करते हुए वह अपने प्रकरण अर्थात बाबर तक पहुंचता है और बाबर प्रकरण प्रारंभ कर वह उसे आगे बढ़ाते हुए बाबर का प्रारंभिक जीवन तथा बाबर के द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्ध जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध
आदि युद्धों के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों से बोधात्मक एवं विकासात्मक प्रश्न करते हुए वह प्रकरण को आगे बढ़ाता है तथा छात्रों को बाबर प्रकरण के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसके पश्चात पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य आदि छात्रों को प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार दैनिक पाठ योजना प्रारंभ करने से पूर्व उसे इस प्रकरण को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में रख लिया जाता है और छात्रों को इसकी जानकारी प्रदान की जाती है। तो इसी के साथ ही एक परिभाषा और है, आई के डेविस, इन्होंने भी अपने प्रथम सोपान में पाठ योजना की रचना को विशेष महत्व दिया और पाठ योजना के अंतर्गत उन सभी बातों को विस्तार पूर्वक वर्णित किया जाता है जिन्हें जो शिक्षक है एक निश्चित अवधि में पूर्ण कर लेता है। अर्थात जो पाठ योजना है 35 से 40 मिनट की तैयार की जाती है और प्रकरण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी छात्रों को दी जाती है। आइए अब हम देखते हैं पाठ योजना के अंतर्गत किन किन बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दैनिक पाठ योजना की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इसकी आवश्यकता किन कारणों से है और शिक्षण में पाठ योजना का क्या महत्व है और इसके क्या दोष पाए गए हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है दैनिक पाठ योजना की विशेषताएं। सबसे पहले है नंबर एक, उद्देश्य पर आधारित हो। सबसे प्रमुख विशेषता है पाठ योजना की यह उद्देश्य पर आधारित हो। दूसरा, यह पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, अर्थात पाठ योजना प्रारंभ करने से पहले छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और फिर प्रकरण को आगे बढ़ाया जाता है और महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचकर छात्रों को उसके बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बोधात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, इसके अलावा पुनरावर्ती प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न आदि पूछे जाते हैं और तत्पश्चात गृह कार्य छात्रों को प्रदान किया जाता है। तीसरी विशेषता, क्रियाओं पर आधारित हो। चौथी विशेषता, इसमें महत्वपूर्ण उदाहरणों का प्रयोग किया गया हो। नेक्स्ट है, शिक्षण स्तर चिंतन स्तर का हो, समय सीमा का ध्यान रखा गया हो, अर्थात पाठ योजना का जो समय सीमा है 35 से 40 मिनट तक रखी जाती है। इसी समय अवधि के दौरान एक शिक्षक को जो अपना प्रकरण समय निश्चित समय अवधि में पूरा करना होता है तो यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें समय का ध्यान रखा गया हो। नेक्स्ट है, बच्चों की मानसिक स्तर योग्यता को ध्यान में रखकर अध्ययन करवाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ श्याम पट का भी प्रयोग होना चाहिए, श्याम पट का भी प्रयोग होना चाहिए। कठिन शब्दार्थ या महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो एक शिक्षक श्याम पट पर लिख देता है और फिर छात्र उसे अपनी नोटबुक में उतार लेते हैं। इसके अलावा मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर गृह कार्य छात्रों को दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं पाठ योजना की, जैसे उद्देश्य पर आधारित, नंबर दो पूर्व ज्ञान पर आधारित है, तीसरा क्रियाओं पर आधारित है, चौथा प्रकरण का प्रयोग अर्थात उदाहरणों का प्रयोग इसमें किया जाता है, इसके अलावा शिक्षक स्तर चिंतन स्तर का हो, समय सीमा का ध्यान रखा जाना, मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाना, श्याम पट का प्रयोग किया जाना, मूल्यांकन और फिर अंत में गृह कार्य छात्रों को जो दिया जाता है, यह पाठ योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाती हैं। अब हम देखते हैं पाठ योजना की आवश्यकता किन कारणों से है।
पाठ योजना की आवश्यकता किन कारणों से है? एक, अध्यापक के लिए कक्षा में जाने से पूर्व पाठ योजना तैयार करना उतना ही आवश्यक हो जाता है जितनी कि किसी सैनिक को रणभूमि जाने से पूर्व रण की तैयारी करना होता है। प्रशिक्षण कार्य में पाठ योजना की आवश्यकता निम्न प्रकार से होती है, जैसा कि नंबर एक है, पाठ योजना लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है, अतः इसकी आवश्यकता अनुभव की जाती है। दूसरी बात, पाठ योजना के द्वारा विषय वस्तु को ठीक प्रकार से प्रस्तुत छात्रों के समक्ष किया जा सकता है। तीसरी बात, पाठ योजना जो है शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाती है तथा विषय के बारे में क्रमबद्ध और व्यवस्थित जानकारी छात्रों को प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा पाठ योजना के माध्यम से श्रम, समय और साधनों की बचत होती है। इसके अतिरिक्त पाठ योजना का निर्माण कर लेने से अध्यापक के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ पाठ योजना के निर्माण करने से कक्षा कक्षा जो छात्र हैं उसमें नियंत्रित होकर कार्य करते हैं, अर्थात पाठ योजना के द्वारा जो कक्षा है नियंत्रण में रहती है, क्योंकि इसमें एक शिक्षक के द्वारा अपने प्रकरण को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जब छात्रों को इसकी जानकारी दी जाती है तो फिर छात्र भी उस प्रकरण को ध्यान से सुनते हैं, अनुशासन में रहकर कार्य करते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी जो है अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि पाठ योजना के द्वारा जो कक्षा है नियंत्रण में रहकर कार्य करती है। इसके अलावा पाठ योजना द्वारा कठिन शब्दों, तथ्यों, विचारों आदि को स्पष्ट करने से पूर्व कठिनाइयों का पूर्वानुमान भी एक शिक्षक को हो जाता है। इसके अलावा पाठ योजना से अध्यापक पाठ के अंत में मूल्यांकन के द्वारा स्वयं का पता लगा सकता है, अर्थात पाठ योजना समाप्त होने पर मूल्यांकन प्रश्न छात्रों से किए जाते हैं और इस बात का पता लगाया जाता है कि शिक्षक के द्वारा जो पाठ योजना कक्षा में पढ़ाई गई थी छात्रों में कितनी सीमा तक अधिगम स्तर हुआ है, अर्थात छात्रों को वह प्रकरण कहाँ तक समझ में आया है, इसकी जानकारी जो अध्यापक है मूल्यांकन प्रश्नों के माध्यम से कर लेता है और जान जाता है कि शिक्षण योजना जो अध्यापक द्वारा तैयार की गई है किस सीमा तक सफल रही है, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो वह कौन सी कमियां हैं जिसमें सुधार कर वह शिक्षण योजना को और अधिक प्रभावी बना सके, अर्थात नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर या फिर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर अपने विषय को, प्रकरण को और अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो इन सब बातों की जो जानकारी है वह दैनिक पाठ योजना के माध्यम से एक अध्यापक को हो जाती है। आइए अब हम चलते हैं दैनिक पाठ योजना का क्या महत्व है और इसके क्या दोष पाए गए हैं। दैनिक पाठ योजना का महत्व, पहला है शिक्षक के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण। दैनिक पाठ योजना का जो पहला महत्व है शिक्षक के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण, तो पाठ योजना के द्वारा कक्षा में उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया जाता है और अध्ययन विषय से संबंधित प्रकरण को अच्छे ढंग से शिक्षक के द्वारा पूरा करवाया जाता है, जिससे कि शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण होता है। नंबर दो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण, तो पाठ योजना में जो अध्यापक है छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं,
क्षमताओं और योग्यता को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षण कार्य करवाता है। तीसरी बात, पूर्व ज्ञान पर आधारित। तो पाठ योजना के द्वारा अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान का भी पता लगा सकता है, अर्थात प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्रियाओं का निश्चित होना, पाठ योजना में जो अध्यापक व छात्रों की क्रियाएं जो हैं पहले से ही निश्चित कर ली जाती हैं, जिससे जो पाठ का जो विकास है वह सुव्यवस्थित ढंग से हो पाता है। इसके अलावा विषय सामग्री का सीमित होना, तो पाठ योजना में विषय वस्तु सीमित हो जाती है, जिससे कि अध्यापक और छात्र दोनों को ही सुविधा रहती है। सहायक सामग्री की तैयारी, तो पाठ योजना से अध्यापक को आवश्यक सामग्री की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसकी व्यवस्था वह पाठ शुरू करने से पूर्व ही कर लेता है। नेक्स्ट है समय व शक्ति की बचत। तो पाठ योजना के द्वारा अध्यापक के पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि समय व शक्ति दोनों की ही बचत होती है। इसके अलावा अध्यापक में आत्मविश्वास, तो पाठ योजना के द्वारा अध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, तथा वह कक्षा कक्ष में छात्रों के समक्ष जो प्रकरण है अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है। क्रमबद्ध व्यवस्थित जानकारी छात्रों को दी जा सकती है, जिससे कि अधिगम कार्य में सरलता आती है। स्थायी ज्ञान, तो पाठ योजना के शिक्षण के दौरान अध्यापक पाठ का सारांश भी लिखता है, तथा उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, जिससे कि छात्रों को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा कक्षा में अनुशासन बना रहता है, पाठ योजना कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में भी सहायक होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो शिक्षक के द्वारा प्रकरण पढ़ाया जाता है वह छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हुए प्रकरण को आगे बढ़ाया जाता है और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, जिससे कि छात्र का जो ध्यान है प्रकरण पर ही रहता है और उसकी महत्वपूर्ण जानकारी अर्थात क्रमबद्ध और व्यवस्थित जानकारी छात्र प्राप्त करने में रुचि भी दिखाते हैं, क्योंकि पाठ योजना जो है रोचक और प्रभावशाली ढंग से अध्यापक के द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाती है, जिससे कि छात्रों का अधिगम सरल और स्मरण बन जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन में सहायक। तो पाठ योजना द्वारा अध्यापक को अपना जो शिक्षण कार्य है कितना सफल रहा, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पाठ योजना समाप्त होने पर अध्यापक के द्वारा कक्षा कक्ष में छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बात का पता लगाया जाता है कि अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है, प्रकरण छात्रों को कहां तक समझ में आया है, अगर उसमें कुछ कमी रही है तो उसमें क्या सुधार किया जाए, और विषय सामग्री को सरल स्पष्ट बनाते हुए प्रभावी ढंग से उस प्रकरण को प्रस्तुत किया जाए, इसकी जानकारी अध्यापक को मिल जाती है। इसके अलावा शिक्षण कौशलों का विकास। तो पाठ योजना के द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास छात्रों में किया जाता है, अर्थात इससे छात्र क्रियाशील रहते हैं और प्रकरण से संबंधित चार्ट, मॉडल, रेखा चित्र आदि बनाने में छात्र रुचि दिखाने लगते हैं, और इसके कारण अधिगम जो स्तर है छात्रों का ऊँच हो जाता है और उनमें कौशलों का विकास आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार दैनिक पाठ योजना का महत्व के पश्चात देखते हैं कि दैनिक पाठ योजना के दोष कमियां क्या क्या रही हैं। नंबर एक है, पाठ योजना से अध्यापक एक निर्धारित सीमा में बंद कर ही
शिक्षण कार्य करा सकता है, अर्थात 35 से 40 मिनट की समय अवधि के अंतर्गत ही एक शिक्षक को अपना प्रकरण पूरा करना होता है। इसके अतिरिक्त वह अन्य विधि का प्रयोग वह नहीं कर सकता, तो कक्षा कक्ष में रहकर ही उसे प्रकरण को 35 से 40 मिनट के अंदर पूरा करना होता है। इस दौरान वह किसी अन्य शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो यह इसकी एक कमी है। नंबर दो है, कभी कभी पाठ योजना में जो प्रस्तावना प्रश्न है वे छात्रों के स्तर के अनुसार नहीं होते और छात्रों को नवीन ज्ञान प्रदान करवाने में एक अध्यापक को कठिनाई अनुभव होती है। इसके अलावा तीन नंबर में है, कभी कभी पाठ योजना निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हो पाती है, जैसे कि मान लो प्रकरण लंबा हो लेकिन समय निश्चित है 35 से 40 मिनट, इस अवधि में जो प्रकरण को अध्यापक के लिए पूरा करना एक कठिन कार्य हो जाता है, तो इसके अंश को पूर्ण करने के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ साथ पाठ योजना का जो निर्माण है छात्रों की औसत बुद्धि को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिससे कि मन बुद्धि व कुशाग्र बुद्धि बालकों को अपने अनुसार कार्य करने का जो अवसर है इसमें नहीं मिल पाता है। इसके अलावा पाठ योजना का जो निर्माण है सभी संस्थाओं में समान रूप से नहीं किया जाता, सभी संस्थाओं में इसके जो नियम हैं प्रावधान हैं अलग अलग होते हैं और उसी के अनुरूप ही पाठ योजना जो है छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, इसमें समानता नहीं होती। तो इस प्रकार पाठ योजना में ये कमियाँ पाई गई हैं। इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है यही समाप्त होता है, कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।